हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए करा हूँ जनरल स्टडीज़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 32 क्वेश्चन है, और ये इस वीडियो का पार्ट 4 है। इसके पहले जो इस पर 3 वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप उसे देखना चाहें तो उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप उसे देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है आने वाले एग्जाम से रेलवे, RPF SI, SSC GD UP पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको इसमें बताना है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो आपको इसमें बताना है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फारसी। क्या थी? फारसी थी। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त था। कौन था? श्री गुप्त था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आपको इसमें बताना है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1905 में किया गया था। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो आपको इसमें बताना है कि कादम्बरी जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था बाण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया था, तो शाहनामा जो है फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपको इसमें बताना है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनाई मुद्दी। ठीक है, अनाई मुद्दी जो है ये दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? बहुत बड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आपको इसमें बताना है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग है। कौन सा है? जोग प्रपात है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आपको इसमें बताना है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। कौन सी है? बैकाल झील है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। कौन सी है? सुपीरियर झील है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली शहर जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो आपको इसमें बताना है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को। ठीक, शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो आपको इसमें बताना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपको इसमें बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो ये हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि अशोक मेहता समिति का गठन जो है किस वर्ष हुआ था, तो अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में हुआ था। कब हुआ था? 1977 में हुआ था, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आपको इसमें बताना है कि वित्त आयोग का संबंध जो है कौन से अनुच्छेद से है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 280 से है। किससे है? अनुच्छेद 280 से संबंधित है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां होती है? तो राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिलियां होती है। कितनी होती है? 24 तिलियां होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित हुआ था? तो आपको इसमें बताना है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया था? तो ये हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है ये हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा है? तो आपको इसमें बताना है कि बीच का रंग कौन सा होता है। तो बीच का रंग जो है हरा रंग होता है। कौन सा होता है? हरा रंग होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बाहर का रंग जो है लाल होता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, कोबाल्ट 60 किससे संबंधित है? बहुत बड़े क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है, आपको इसमें बताना है कि कोबाल्ट 60 किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गामा रे से। किससे? गामा रे से संबंधित है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। कौन सा है? नाभिकीय संलयन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, ईसीजी किससे संबंधित है? तो आपको इसमें बताना है कि ईसीजी किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हृदय से संबंधित है। किससे? हृदय से संबंधित है। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि ईईजी किससे संबंधित है, तो ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है। किससे? मस्तिष्क से संबंधित है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको इसमें बताना है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। किसके द्वारा? लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो आपको इसमें बताना है कि इन्वायरमेंट शब्द ये किस भाषा से संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रीक भाषा से संबंधित है। किससे? ग्रीक भाषा से संबंधित है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, मलेरिया का दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है? तो मलेरिया का दवा जिसको कुनैन बोलते हैं, तो कुनैन जो है सिनकोना के पौधा से निकाला जाता है। किससे? सिनकोना के पौधा से निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो आपको इसमें बताना है कि गाय के दूध में कौन से विटामिन की प्रचुरता होती है?
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन बी की प्रचुरता होती है। किसके? विटामिन बी की प्रचुरता होती है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो आपको इसमें बताना है कि एक बैरल में कितना लीटर होता है। तो एक बैरल में जो है 159 लीटर होता है। कितना होता है? 159 लीटर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो आपको इसमें बताना है कि गुलाम वंश की स्थापना कब किया गया था। तो ये हुई थी 1206 में। कब हुई थी? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज जो है लुईस पाश्चर ने की थी। किसने? लुईस पाश्चर ने की थी। और रेबीज जो है कुत्ते काटने से वायरस के द्वारा फैलता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्यूज का तार किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो फ्यूज का तार जो है ये जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीयता हो जाती है? तो आपको इसमें बताना है कि किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीयता हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सोडियम कार्बोनेट। ठीक, सोडियम कार्बोनेट की अधिकता से जो है मिट्टी क्षारीयता हो जाती है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थे जनरल स्टडीज़ के मोस्ट इंपोर्टेंट 32 क्वेश्चन है, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो चाहे आपके यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।